फोन कॉल आती है कि आपको अपने कुरियर की जानकारी चाहिए तो एक दबाएं। MDMA एक तरह का ड्रग्स है, इलीगल ड्रग्स है इंडिया में, और जो इसकी मात्रा है उस हिसाब से आपको पास अगर ये निकलता है तो आपको 15 साल की जेल होती है। हेलो, यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट। देखिए, हम आपको डिजिटल गिरफ्तार कर रहे हैं। डिजिटली गिरफ्तार? अरे सर, ये क्या होता है? 2024 के पहले 4 महीनों में हमारे देश में 7,40,000 साइबर क्राइम कंप्लेंट्स दर्ज हो चुकी हैं। इन्वेस्टमेंट स्कैम, सेक्सटॉर्शन, डिजिटल अरेस्ट और दूसरे फ्रॉड से करीबन 1,800 करोड़ रुपए लूटे जा चुके हैं सिर्फ जनवरी और अप्रैल के महीनों के बीच में। सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? इंडिया में बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, उन स्कैम को हम आज एनालाइज करेंगे और वो बंदा तुम्हें नरेट करेगा जिसके साथ वो स्कैम हो चुका है। एक नया तरीके का स्कैम्स निकल के आ रही है। जैसे कि पहले क्या होता था भाई, आपको कॉल आता था, आपका डेबिट कार्ड का डिटेल्स बता दो या फिर 1 रुपया UPI पे सेंड कर दें, हम 10 रुपया सेंड करो, उस तरीके से है ना। लेकिन अभी के टाइम पे आपको कॉल आता है और कॉल आने के बाद आपको बताया जाता है कि भाई आपका ना एक पार्सल रिसीव हुआ है जो कि आपका है या नहीं है, आप इस चीज़ को कंफर्म कर दो। नॉर्मल सी बात है। एंड इवन दो वो लोग इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं या फिर इतना ज़्यादा फुल प्रूफ तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं कि आपका नाम भी उनको पता है, आपका नंबर भी पता है, आपको डायरेक्टली बोला जाएगा भाई ये आपका नंबर है ना, और ये आपका नाम है ना, इसी नाम पे आधार कार्ड है आपका और इसी से रजिस्टर्ड हुआ है प्रोडक्ट है ना, और ये प्रोडक्ट कहीं स्टेट इंडिया के स्टेट से एक इंटरनेशनल पे जा रही थी। जैसे कि एग्जांपल के तौर से मेरे साथ जो भी हुआ मैं आपको बता दूँ। बेसिकली मैं जा रहा था भाई, थोड़ा अजमेर जा रहा था और मैं कोलकाता रेलवे स्टेशन पे था, थोड़ा सा मूड भी ऑफ एंड था, और फिर मेरे को कॉल आता है उनके तरफ से, बोला जाता है भाई हम गवर्नमेंट सेक्टर के डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, कस्टमर कह रहे हैं और आपका एक पार्सल मिला है जो हम लोगों ने रोक दिया है और इसका एक रीज़न है, क्या आप पहले कन्फर्म करना चाहोगे ये प्रोडक्ट आपका है या नहीं है? देन ऑब्वियसली ज़्यादातर केसेस में लोगों को यही लगेगा भाई वो उन्हीं का पार्सल है। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना है कि भाई अगर आपने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया तो कैसे तुम्हें पार्सल मिलेंगे, तो यहाँ पर भी तुम कॉल कट कर सकते हो अगर तुम्हें बेटर अवेयरनेस चाहिए कि लाइक तुमने अगर कभी भी कुछ भी ऑर्डर नहीं किया और उसका रिलेटेड कॉल आ रहा है तो क्यों ही तुम्हें सुनना है। बट हाँ, मेरे केसेस में मेरा अलग था भाई, मैं लाइक कंप्यूटर्स वगैरह ऑर्डर करता तो कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो इंटरनेशनली मंगाना पड़ता है, जिसके लिए मैं थोड़ा सा लाइक कन्फ्यूज था कि लाइक कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है मेरा, है ना, ज़्यादातर मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं ठीक है भाई। और कुछ लोग ऐसे बताए भाई ग्रेडी पर्सन, मेरा ही है, मेरा ही है सामान, मेरा ही है वैसा। तो जो भी है, जो लोग आगे बढ़ जाते हैं कॉल के साथ उनके साथ ही ज़्यादातर स्कैम्स होती है। अब देखो, जैसे आप लोगों को हाँ मेरा हो सकता है या फिर क्या है प्रोडक्ट में या फिर कहाँ से कहाँ जा रहा था, मेरे केसेस में बोला गया था कि मुंबई से पार्सल आपका जा रहा है एक इंटरनेशनल कंट्री, एक नाम बोला था मैं भूल गया, ज़्यादातर आपको ऐसे ही कंट्रीज़ के नाम बोला जाता है जो कि ज़्यादातर आतंकवाद के लिए जाना जाता है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साइबेरिया, इस तरीके के कंट्रीज़ आपको बोला जाएगा। आपका कुछ भी स्टेट हो सकता है इंडिया में से, लाइक मेरे केसेस में मेरे को मुंबई से बोला गया, लेकिन आपके केसेस में कुछ भी हो सकता है, जो भी है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे ही आपका ये चीज़ बोला गया देन आप ऑब्वियसली कन्फ्यूज हो जाओगे, भाई कैसे हो सकता है, कुछ लोग डर जाएंगे। मैं कन्फ्यूज हो गया था, लोग पार्सल भी क्या है, ऑब्वियसली बात है पार्सल में क्या है, तुमने पकड़ा ही क्यों उसको, तो उनके तरफ से बोला जाता है कि भाई पार्सल में ना ऐसा कुछ ज़रूरी चीज़ें नहीं है, पार्सल में आपका 5 किलो कपड़े मिल जाएंगे। 5 किलो कपड़े? कपड़े कपड़े? देन आपको बोला जाएगा 5 किलो कपड़े, 500 ग्राम कोकेन, 6 पासपोर्ट और फिर एक लिक्विड टाइप सा आइटम भी होता है जो इलीगल होता है, बहुत ही रिस्की चीज़ होता है, और एक दो ना और भी कंपोनेंट बताया जाएगा जो आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत भयंकर चीज़ें निकलते हैं। जो भी है, इसी तरीके से आपको बोला जाएगा भाई पार्सल में ये था, ठीक है, और आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, आपके आधार से लिंक्ड है। मैं यहाँ पर एक डरा नहीं, मैं यहाँ पर एक कन्फ्यूज हो गया था। देखो, आपके केसेस में कुछ भी हो सकता है, वो लोग ऐसा करते हैं ना भाई, ऐसा नहीं कि उनके पास स्क्रिप्ट है, वो लोग एकदम फुल प्रूफ तरीका जिससे वो लोग मतलब हर चीज़ को ढाल पाए, आप जैसे तरीके से रिएक्ट करोगे उसी तरीके से वो लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ ऐसा हो रहा था भाई, मेरा पार्सल में ये था, वो था, ये था, लेकिन मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था भाई कैसे हो सकता है मे बी मेरे डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करते हुए सचमुच ये हो रहा है, और मेरे को लग भी रहा था कि सचमुच ये चीज़ हो रहा है, लेकिन फॉर द चीज़ है जैसे मैंने बोला कि भाई देखो ये ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ कुछ स्कैम वगैरह होते हैं, देन कस्टमर की तरफ से ये जब चीज़ बोला जाता है कि भाई देखो मैं समझ गया, आप मेरे हेड को बता दो, ठीक है, मेरे हेड पे जो है उनको कॉल ट्रांसफ़र करता हूँ, आप उनको समझा देना। ऑब्वियसली कॉल ट्रांसफ़र होता है, फिर मैं उनको भी समझाता हूँ अच्छे तरीके से। उनके तरफ से फाइनल वर्ड्स ये है कि आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे रहा हूँ, नोट कर लो, ठीक है, आपके सामान में, आपके पार्सल में क्या क्या है ये नोट कर लो, आपका इन्फॉर्मेशन जैसे कि नंबर, ईमेल, जो जो लिंक्ड है ये नोट कर लो,
और साथ ही साथ आपका जो रीज़न है कि आप क्या मानते हो, जैसे कि मेरे केस में मेरे को लग रहा था भाई मेरा डाटा वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है इसी वजह से किसी बंदे ने इस्तेमाल किया था, तो वो आप लिख लो, है ना। और लिखने के बाद आप एक व्हाट्सअप नंबर जो कि हायर डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफिसर का है, आप उनका नंबर ले लो, उनके व्हाट्सअप पे आपको ये सारी चीज़ें भेजना है। अब यही वो मोमेंट है जब मेरे को पता चल गया था, लाइक मेरे को 70% क्लियर हो गया था भाई ये स्कैम है। क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर से जो भी सरकारी डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं वो कभी भी व्हाट्सएप पे तो आपको कम्युनिकेट नहीं करने आएंगे, है ना, ईमेल या फिर आपको इन पर्सन बुलाएंगे। तो मेरे को यहाँ पे समझ में आ चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं क्यूरियस हो गया था, चलो करते हैं भाई, चलो करते हैं, मज़ा आ जाएगा। उनके तरफ से एक वीडियो कॉल आएगा तो फिर मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, एंड सही में उनके तरफ से एक वीडियो कॉल आता है। पता है क्या देखता हूँ मैं? हेलो जी, बोलिए। सुनील बात कर रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बोलिए। आपने जो नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। ओके ठीक है, आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? नहीं। कहाँ से बात कर रहे हो? वेस्ट बंगाल से। आप अपनी रिपोर्ट करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते? मुझे ये बताइए कि रिपोर्ट करने से क्या होगा और नहीं करने से क्या होगा? नहीं करने से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप स्टेट में रिकॉर्ड करवा देंगे उसके लिए नंबर ये ब्लॉक हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगी मुझे? ये जो केसेस हैं ये आप ही पड़े रहेंगे, 17 कंप्लेंट हैं, एक FIR है। क्या केसेस है बता सकते हैं सर? ये कोई इलीगल मैसेजेस है, ठीक है, उसमें यूज हो रहे हैं। एकदम भाई प्रॉपर सेटअप पुलिस स्टेशन का, बंदे का प्रॉपर गेटअप पुलिस का, नाम भी देख रहा भाई, स्टार्स भी दिख रहे हैं। मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा फन टाइप में चला गया था, एंड उनकी तरफ से बोला गया कि भाई ये आपका एप्लीकेशन है, ये आपका नाम है, बहुत ही सही तरीके से बोला जाएगा, है ना। और ऐसा भी नहीं कि भाई एकदम नॉर्मल तरीके से, एकदम जैसे पुलिस लोग बात करते ना, ये आपका एप्लीकेशन है, ये है, ये है, अब आपका है क्या, आपका क्या रीज़न है? तो फिर मैं बोलता हूँ भाई देखो ऐसा सब बात, सॉरी मैंने वहाँ पर बोला ही नहीं है ना। तो फिर वो बोलते हैं आपको मजाक लग रहा है, ये मजाक लग रहा है आपको, हाँ आपको अगर मजाक लग रहा तो काट दो कॉल। हाँ मेरे को ऐसा बोलता भाई, पता नहीं भाई क्या हुआ, मैंने कॉल कट कर दिया भाई वहाँ पर ही, बस यही था एंड। अगर आप लोग इस जगह पे डर जाते, लाइक मैं उतना डरता नहीं हूँ, है ना, मैं तभी डरता हूँ जब मैंने कुछ कांड कर दिया हो, जो भी है मैं डरता नहीं हूँ उतना, पहले डरता था, फोबिया था, बट हाँ अभी ठीक हूँ भाई। जो भी है यहाँ पर मेरे को समझ में आ गया था, लेकिन जितना सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा वो ऑब्वियसली डर जाएंगे। एंड लास्ट में फाइनल उनका ये रहेगा, हालांकि मेरे साथ हुआ नहीं पर मेरे को पता है, न्यूज़ वगैरह पढ़ रहा था, उनकी तरफ से ये हो रहेगा कि हम आपका केस रफा दफा कर सकते हैं, लाइक साइड आधा घंटा तक तो बकवास करेंगे वो लोग, और फिर बोलेंगे भाई आपका केस रफा दफा कर देंगे आप अगर हमको 40,000 दोगे, है ना, देन ऑब्वियसली मेरे को बार्गेन वगैरह कर दोगे तो 20-30 हज़ार रुपये मान जाते हैं, फिर आप लोगों को वो ट्रांसफर करना रहता है, एंड ऑब्वियसली इसी के दौरान आपका साथ स्कैम्ड हो जाता है, लेकिन वो ऑफिशियल या फिर रियल पुलिस वाला नहीं है, अरे आपके साथ ये कांड हो गया है बस और कुछ नहीं। तो जो भी है इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को इतना समझ में रखना है कि भाई आपने अगर ऑर्डर नहीं किया तो आपका नहीं है, कोई आपको फ्री में नहीं भेजेगा, ठीक है। और दूसरी बात, कभी भी सरकारी डिपार्टमेंट वाले लोग आपको व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करेंगे, आपको लास्टली आपको एक ईमेल दे दिया जाएगा, और उस ईमेल को भी आपको पहले वेरीफाई करना है, जो भी ईमेल मिलेगा वो गूगल पे डाल देना, जैसे डालोगे आपको ऑफिशियल साइट्स मिल जाएंगे, क्योंकि लाइक ऑफिशियल साइट पे वो ईमेल लिस्टेड होता है, अगर नहीं है तो भाई फिसी है ये चीज़, है ना। बहरहाल मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, हो सकता है मे भी थोड़े बहुत चीज़ें इधर उधर हो जाए, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें यही थे जो मैंने आप लोगों को बताया वर्ड टू वर्ड। बाकी भाई आजकल बहुत सारे स्कैम्स चल रही है, अभी वो जमाना चला गया जहाँ पर आप लोग को चुटके मुटके बोलते हैं और फिर पैसे ले लेते हैं, अभी थोड़ा एडवांस लेवल का हो चुका है, आपका नाम भी पता रहेगा उनको, आपके नंबर भी पता रहेगा, आपकी ईमेल भी पता रहेगा, एंड इवन हो सकता है मे भी आपका पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर भी उनको पता रहे और आपका बैंक अकाउंट नंबर भी पता रहे, तो भाई प्लीज़ इन सब चीज़ों से बच के रहें। वेल ये सारी चीज़ें हो रही है और भी बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं इंडिया में, तुम्हें रिसेंटली सुना होगा डिजिटल अरेस्ट स्कैम था जहाँ पर एक लड़की को डिजिटल अरेस्ट किया गया था और 2.5 लाख रुपये लाइक उसने ट्रांसफ़र कर दिया था। ये सब सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारे स्कैम आ रहे हैं। वेल तुम्हें ये सब स्कैम से बचना है और एक बात अच्छे से ध्यान में रखो कि कोई भी पुलिस वाला तुम्हें कोई वीडियो कॉल कभी नहीं करने वाला है। डिजिटल अरेस्ट वगैरह गवर्नमेंट के कोई से भी रूल्स में नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा स्कैम हुआ होगा तो तुम ज़रूर मुझे बताना, वेल हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। बल तुम कहोगे कि ये स्कैम करने वाले लोग इतने धड़ल्ले पे कैसे स्कैम कर रहे हैं, क्यों इनको गवर्नमेंट पकड़ नहीं रही है? देखो इनका एक अलग सा माफिया बना पड़ा है, ये सारे लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। मैंने शुरू में ही बताया कि इंडिया में करोड़ों रुपये से भी ज़्यादा का स्कैम हो रहा है हर साल। पर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।